दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो प्लास्टिक की बोतल या पैकेट हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उनका क्या होता होगा? आप तो उन्हें बड़ी आसानी से कभी डस्टबिन में तो कभी यूं ही राह चलते हुए फेंक देते हैं। लेकिन सोचिए, जब से प्लास्टिक इस्तेमाल में आया है, तब से अगर हम इसे सिर्फ यूं ही कहीं भी फेंकते रहते तो अब तक पूरी दुनिया प्लास्टिक मय हो चुकी होती। लेकिन अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, जी हाँ, हमें पता है इस कचरे का क्या होता है। ये सब रिसाइकलिंग करने के लिए जाते हैं और फिर इसे उसी तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहीं पे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे होती है रिसाइकलिंग, कहाँ जाता है ये रिसाइकल होने, क्योंकि इन कचरों को फिर से सामान बनाना काफी मुश्किल काम है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया भर का ये कचरा कुछ सालों पहले तक रिसाइकल होने कहां जाता था, और बताएंगे कैसे ये 100 बिलियन डॉलर की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, क्या आपको इस बात का अंतर पता है कि हम कौन सा कचरा यूं ही फेंक देते हैं और कौन सा रिसाइकल करते हैं? अगर आपको पता है तो शायद आप ये कहेंगे, रिसाइकलिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि उस कचरे का मटेरियल क्या है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसाइकलिंग सिर्फ पैसे पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रोडक्ट को रिसाइकल करने में ज्यादा पैसे का फायदा होता है, सिर्फ उसे इस कैटेगरी में रखते हैं, और उन्हीं के पीछे ये तीन तीर वाला हरा निशान बनाकर ये दिखा देते हैं कि आप चिंता नहीं, कचरा कीजिए, क्योंकि हम इन्हें फिर से कचरा करने के लायक बना देंगे। लेकिन सवाल ये है कि इसे लायक बनाएगा कौन? अब जूस और कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कचरा इकट्ठा करने तो नहीं बैठेगी। अब सवाल उठता है कि इस कचरे को कौन खरीदेगा और कौन इसे फिर से प्रोडक्ट की शक्ल देगा? यही वो सवाल था जो दुनिया भर के देश एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये समझने के लिए कि इस रिसाइकलिंग प्रोसेस को लेकर दुनिया अभी कहाँ है। जरूरी है हम पहले ये जानें कि आज से 15 साल पहले ये रिसाइकलिंग की दुनिया कैसी थी। पश्चिमी देशों में रिसाइकलिंग सन 2000 के समय देखने को मिली, जब वहाँ के लोग कचरे को अलग अलग डस्टबिन में रखने लगे और ये मार्क कर दिया गया कि किस डिब्बे में वो कचरा जाएगा जो रिसाइकल हो सकेगा। सारे टीवी एड और बाकी विज्ञापनों में भी ऐसा दिखाया जाने लगा कि एक कागज के टुकड़े को यूं ही फेंक देना अपराध के समान है। इसके बाद इकट्ठा किए गए सारे कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज में या MRF में इकट्ठा कर लेते हैं, जहां फिर इसे अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन कचरों का बंडल बनाकर उसे बायर्स को बेचने के लिए पूरी दुनिया में भेजा जाता है। अब यही आता है दुनिया का वो सबसे बड़ा कचरा खरीददार देश, जिसे कचरे में से लाखों करोड़ों डॉलर्स नजर आने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, वो देश चाइना था, जो इस कचरे को पूरी दुनिया से खरीद कर उन्हें रिसाइकिल करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करने के साथ साथ बढ़ाना भी चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि बहुत तेजी और कम समय में ही चाइना का देखा हुआ सपना पूरा हो गया और चाइना उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन गया। इसी के साथ चाइना ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी कदम रख दिया, जिसके बाद चीन पूरी दुनिया में अपने सामानों का निर्यात करता और जिस कंटेनर में भरकर वो सामान भेजता था, उसी कंटेनर में उस देश से कचरा भरकर मंगवा लेता था। इस तरह से चाइना ने पूरी दुनिया की वो चिंता खत्म कर दी कि हम ये कचरा रिसाइकल करने के लिए कहाँ भेजें। दुनिया भी इसी काम के लिए चाइना को सबसे पहले देखने लगी, क्योंकि चाइना इस काम के लिए बहुत कम पैसे लेता था और काम में समय भी कम लगता था, क्योंकि ये सब आपको बताया कि चाइना में लेबर पावर कितना ज्यादा है। अब अगर कोई काम कम समय और कम पैसे में ही हो जाए तो शायद ही कोई हो जिसे इस बात से दिक्कत होगी। यही कारण था कि पश्चिमी देशों ने कभी भी रिसाइकलिंग के लिए कोई बड़ी इंडस्ट्री अपने यहाँ नहीं बनाई। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ प्लास्टिक की अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो चाइना एक वक्त तक पूरी दुनिया का करीब 70% प्लास्टिक अपने यहाँ रिसाइकिल करने के लिए मंगाता था। एक दूसरे फैक्ट पर नजर डालें तो 2016 में अमेरिका ने अकेले ही 7 मिलियन टन कचरा चाइना में रिसाइकल होने के लिए भेजा था। लेकिन उसी साल एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर ने प्लास्टिक चाइना नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया गया था जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। इस डॉक्यूमेंट्री में चाइना की इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का असली और डरावना चेहरा लोगों के सामने लाकर रख दिया। इस डॉक्यूमेंट्री ने पूरी दुनिया में काफी नाम और शाबाशी कमाई, जिस वजह से इसे जल्द ही चाइनीज इंटरनेट पर बैन कर दिया गया। फिल्म तो बैन हो गई, लेकिन उसे जिस काम के लिए बनाया गया था वो पूरा हो गया। लोगों तक सच्चाई आने के बाद चाइना की पीपल्स पार्टी की इमेज खराब होने लगी और भारी विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने इस तरह की रिसाइकलिंग के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला किया। इसी कारण चाइना ने सितंबर 2017 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस बात की घोषणा की
कि अब से वो पूरी दुनिया से आने वाले चार मुख्य तरह के रिसाइकिल प्रोडक्ट को रिसाइकिल नहीं करेंगे, जिसमें कॉटन, वुड, प्लास्टिक और कागज शामिल था। चाइना ने इसे ऑपरेशन नेशनल सॉर्ड का नाम दिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपने देश में ऐसे रिसाइकलिंग प्रोसेस को बल देने का जो पूरी सिक्योरिटी के साथ सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट को रिसाइकल करे, जिससे कि उनका वातावरण और वहाँ के लोग सुरक्षित रहें। ये फैसला इतना इंस्टेंट था कि बाकी देशों के होश उड़ गए, क्योंकि जिस कचरे को वो चाइना को $300 प्रति टन में बेचते थे उसकी कीमत चाइना के हाथ खींच लेने के बाद $40 प्रति टन आ गई थी। अब आप इस गिरावट से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया को क्यों इकट्ठे इतना बड़ा झटका लगा। चाइना ने अब रिसाइकलिंग के लिए आने वाले किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ इस बात पर अपने देश में जगह देने की बात कही कि वो प्रोडक्ट कितना कम हानिकारक है, ताकि वहाँ का वातावरण सुरक्षित रहे। उन्होंने इस बात को भी साथ में जोड़ा था कि जो भी प्रोडक्ट अब यहाँ रिसाइकल होने आएगा वो पहले से साफ होगा। अगर आने वाले किसी भी वेस्टेज में गंदगी पाई जाएगी तो चाइना उसे वापस कर देगा। इसी बात का असर है कि अब मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में रिसाइकल होने वाला कचरा साफ करने के लिए आता है, जहाँ उसकी सफाई के बाद इसे चाइना भेजा जाता है। इसी कारण मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में बड़े बड़े पूंजीपति इस क्लीनिंग इंडस्ट्री पर पैसा लगा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये काफी नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों के आलस का नतीजा ये हुआ कि आज उनके पास ऐसे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां वो अपने कचरे को रिसाइकल कर सके। ऐसे स्थिति में जो देश इस बात पर फोकस्ड है कि उनका दो अलग अलग फोकस पॉइंट है। कुछ देश जैसे कनाडा इस बात पर काम कर रहे हैं कि हमें किसी नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह इस बात पर काम करना होगा कि हम ऐसे किसी भी प्लास्टिक या पेपर का इस्तेमाल कितना कम करें जिसे बार बार रिसाइकल करने में हमें खर्चा और खतरा दोनों ना उठाना पड़े। इसके लिए वो सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से अपने देश में बैन करके ऐसे पैकेजिंग तकनीक को देश में और लोगों के बीच में ला रहे हैं जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ही ना हो। लेकिन वहीं कुछ दूसरे देश इस तकनीक के साथ ही साथ अपना मुख्य फोकस इस बात पर लगा रहे हैं कैसे चाइना से बेहतर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को वो अपने देश में बना सके जिसमें मैन पावर भी कम लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है चाइना का ये निर्णय कैसा था और अब इसके बाद दुनिया को किस तकनीक पर फोकस करके इस कचरा होती दुनिया को कचरा होने से बचा लेने की जरूरत है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और कोशिश करें प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि इससे देश को अगर नुकसान होगा तो उस नुकसान में सबसे पहले लाइन में देश के नागरिक ही खड़े होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जरूर करना। के लिए हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।